एक तरफ सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बाजार में बिक रहे नकली बीज सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे हैं। सायाहपुर में धड़ल्ले से धान का नकली बीज बेचा जा रहा है। खास बात यह है कि किसानों की शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार अफसर खामोश बैठे हुए हैं। किसानों ने अफसरों पर ही मिलीभगत का आरोप लगाया है। फिलहाल सीडीओ से शिकायत के बाद मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल आज कई किसान धान के नकली बीज की शिकायत लेकर विकास भवन पहुंचे थे। किसानों का आरोप है कि यहां कृषि अधिकारी उनकी शिकायत सुनने के बजाय उनके साथ बदसलूकी कर रहा है। सुनवाई न होने पर किसान विकास भवन के गेट पर ही बड़े अधिकारी से शिकायत का हवाला देकर काफी देर तक खड़े रहे। किसानों का कहना है कि बाजार में धान का नकली बीज धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। किसानों का यह भी कहना है कि बाजार में मिल रहे नकली बीज से उनकी 40% फसल नहीं हो पाई। साथ ही शिकायत करने पर दुकानदार भी किसानों को धमका रहा है। किसान यह भी कहना है कि नकली बीज बेचने का यह पूरा गोरख धंधा कृषि विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से ही चल रहा है। इस मामले में जब कृषि अधिकारी सतीश चंद्र पाठक से बात करने की कोशिश की तो वह कैमरा बंद करवाते हुए नजर आए। फिलहाल सीडीओ से शिकायत के बाद मामले में जांच के आदेश दिए गए। इसके नाम पे मुझे बड़े प्यार से दिया गया कि धान बहुत अच्छा है, इसको आप लगाइए, इसकी पैदावार 8 क्विंटल तक की है, ये आपको बढ़िया वैरायटी निकली है पाइनर, इसको आप लगाएं। जब मैं लेके गया मैंने कहा भैया गारंटी सारी ले लो, महंगा बीज है, अगर ख़राब ना हो गया तो आपको वापस करना पड़ेगा, नहीं हम तो बर्बाद हो जाएंगे। बोला बिल्कुल गारंटी। जब मैं दोबारा नहीं जमा 8 दिन के 10 दिन के बाद वापस आया, दुकानदार से बोला कि साहब ये तो आपका जमा ही नहीं, आप मौके पर जाके देख लो। बोले कंपनी को आप अप्लाई करिए, मैं ठेकेदार नहीं हूँ। तो बोले हमने कहा साहब फिर मैं कहाँ जाऊँ, बोला डीएम साहब के पास जाओ, वहीं हमारा लेन देन होता है। अच्छा जी, कितना अधिकारियों से? अब ये नहीं बोला सर कितना होता है, लेकिन बोला कि आप वहीं जाइए, आप हमारे लाइसेंस नष्ट करा दीजिए, और बड़ा धमकिया के नीचे भगा दिया। मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, उसने सीधा बोला है। मेरा मांग है सर उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और मेरा जो धान हम गरीब किसानों का या किसी को दे धोखाधड़ी ना हो, और मेरी सही उपज के लिए मुझे धान दिया जाए। आज रूटीन में जो 9 से 11 हम लोग बैठते हैं उस टाइम पे जो शिकायत लेके आते हैं लोग, उसमें 2 प्रार्थना पत्र ऐसे हैं जिसमें अलग अलग गांव के 2 प्रार्थना पत्र हैं, 2 अलग अलग व्यक्तियों ने दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने बीज लिया और उन्होंने खेत में डाला और वो पूरी तरह से उगा नहीं है। तो इसके पीछे कारण कई हो सकते हैं कि उनकी ज़मीन में प्रॉब्लम है कि बीज में प्रॉब्लम है कि क्या इशू है, इसके 5-6 पॉइंट हो सकते हैं, तो इसकी जांच कराना आवश्यक है। एक बार जांच करा लें उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे।